को अपने गोल्स पूरे करने के लिए जो उनके लक्ष्य हैं, अगर पढ़ने वाले बच्चे हैं तो उनको पढ़ाई में हेल्प करने के लिए, कोई हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहता है, आपने इवन घर का छोटा छोटा सामान अगर ख़रीदना है तो उसके लिए भी बेटा आपको बजट बनाना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो मनी मैनेजमेंट मैम ने आपको बताया होगा कितनी तरह की होती है हमारे पास। आए सबसे पहले जो ज़रूरी है बजट में, आपको जो एग्ज़ाम में आता है, दैट इज़ डिफाइन फैमिली बजट, कि आप पारिवारिक बजट की परिभाषा दीजिए। ठीक है, हेलो, समझ आ रहा है बेटे? हाँ, कि आप सबसे पहले पारिवारिक बजट की परिभाषा दीजिए और यू डिफाइन द फैमिली बजट। तो बजट क्या होता है? बजट किसी भी निश्चित अवधि के लिए आपने एक फाइनेंशियल प्लान बनाते हैं हम, बजट होता है हमारा एक फाइनेंशियल प्लान जो हम फ्यूचर एक्सपेंडिचर के लिए बनाते हैं। अब जैसे अब जनवरी का मंथ चल रहा है, मुझे पता है कि मेरी सैलरी मिला के मेरे पास अगर घर में 50,000 रुपये आता है या 40,000 रुपये आता है, तो उसको मैंने कैसे यूज़ करना है अपने डिफरेंट आइटम्स के लिए। मैंने भोजन भी ख़रीदना है, कपड़े भी हैं, मैंने मकान का किराया भी देना है, बच्चों की एजुकेशन है, कोई बीमार अगर हो जाता है तो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, आपने कोई एकदम ट्रिप आपका बन जाता है, आपने बाहर भी जाना है, अगर आपके घर में कोई शादी आ गई या बर्थडे सेलिब्रेशंस है और आपने डोमिनोज से ऑर्डर करना है या मैंने मधुमेह खाने के लिए जाना है, तो मुझे सबके लिए बजट बनाना ज़रूरी होता है। ठीक है ना, बजट से क्या होता है कि आपको किसी से उधार लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो क्या होता है बजट, कि आप आय के अनुसार जितनी आपकी इनकम है उनके अनुसार आप अपने व्यय का, अपने खर्चे का पहले ही अनुमान लगा लेते हो, रफ एस्टिमेशन। उसमें ऊपर नीचे 500,000 रुपया हो जाए वो अलग बात होती है, तो रफ एस्टिमेशन हम लगा लेते हैं कि आय के अनुसार से जितनी मेरी आय है उसके अनुसार मेरे कितना व्यय है, मतलब फाइनेंशियल प्लान फॉर फ्यूचर एक्सपेंडिचर, ताकि आपको संतुष्टि भी मिले और आपको किसी से मांगने की ज़रूरत ना हो। ठीक है, समझ आया? बजट बेटा तीन तरह का होता है। सबसे पहले होता है बचत का बजट। बचत का बजट मतलब कि इसमें जो आपकी आय है, प्रस्तावित आय, जो आपको सपोज मैंने फरवरी का बजट बनाया, ठीक है, मेरी मैंने निकाला, मेरी जो आय है फरवरी की मेरी बन रही है 40,000। ठीक, जो मैंने बजट बनाया वो मैंने सब कुछ टोटल कर लिया, तो मेरा जो बजट बनता है बेटा वो बन रहा है 35,000। तो मेरी सेविंग कितनी हुई? 5,000। ठीक है ना, मेरा आय कितनी है? 40। जो मैंने बजट बनाया उसमें खर्चा कितना है मेरा? 35। तो 5,000 मेरी क्या हो गई? सेविंग हो गई। ठीक है, तो ये बजट क्या होगा? ये बजट होगा एक बजट, ये होगा मेरा बचत का बजट, क्योंकि मैं इसमें 5,000 रुपया बचा पा रही हूँ। इसको हम सरप्लस बजट कहते हैं या बचत का बजट। और ये सबसे अच्छा बजट होता है कि अगर मेरे बाई चांस बेटा कोई मुझे इमरजेंसी आ जाए, बीमार हो जाए, घर में गिर जाए, चोट लग जाए, तो मेरे पास कम से कम 5,000 रुपया तो मैंने बैलेंस रखा है ना, मैं वो डॉक्टर के पास जा सकती हूँ और उसको कोई जो प्रॉब्लम है उसको मैं सॉल्व करा सकती हूँ। ठीक है, दूसरा बजट होता है संतुलित बजट। संतुलित मतलब क्या होता है? बैलेंस, ना मेरी आय ज़्यादा है ना मेरा व्यय, मेरा आय और व्यय दोनों क्या हैं? बराबर है। कि जो मैंने बजट बनाया, मेरी अगर आय 50 है तो मेरा खर्चा भी 50 है। ठीक है, संतुलित है, मुझे किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है, तो ये भी चलो ठीक होता है संतुलित बजट। जो सबसे ख़राब बजट होता है वो होता है घाटे का बजट। घाटा मतलब डेफिसिट, कि इनकम मेरी 40 है और मैंने बजट बना दिया 60,000 का, तो मैं 20,000 कहाँ से लाऊंगी? कोई मेरे पास FD पड़ी है या मेरे पास कुछ और मैंने पैसा बचाया हुआ है तो मुझे वो इस महीने यूज़ करना पड़ेगा। ये सबसे ख़राब बजट होता है बेटा, कौन सा? घाटे का बजट। बेस्ट होता है आपका बचत का बजट, जहाँ पे आपके पास कुछ सेविंग्स होती हैं। अगर नहीं हो सकता तो फिर आपका जो बजट है संतुलित या बैलेंस बजट, ये ठीक रहता है, क्योंकि इसमें ना आपको किसी से लेना है ना किसी को देना है। घाटे का बजट जो है वो सबसे बेटे ख़राब होता है और हमें अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, दूसरा, एक परिवार का बजट बेटे कभी भी दूसरे परिवार से मैच नहीं खाता। अगर मैं कहूँ मेरा बजट और पारुल मैम का बजट या शीनम मैम का बजट या नेहा का बजट या विभूति मैम का बजट सेम हो, ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स बजट को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले उसमें होता है साइज ऑफ द फैमिली। आपकी छोटी फैमिली है तो खर्चा कम होगा, आपकी बड़ी फैमिली है तो खर्चा ज़्यादा होगा, लेकिन दूसरी तरफ आपकी इनकम भी ज़्यादा होगी अगर घर में काम करने वाले लोग ज़्यादा हैं। तो पहला फैक्टर जो इफेक्ट करता है बजट को वो है परिवार का आकार या साइज ऑफ द फैमिली। दूसरा करता है कि परिवार का रहने का स्तर कैसा है, क्या स्टेटस है। कई बार क्या होता है बेटे, बच्चे घर का खाना नहीं खाते,
वंस अ वीक मेरे को बाहर जाना है, मेरे को मूवी देखनी है, मेरे को फैशन अच्छे फैशन कपड़े खरीदने हैं, मैं ऑनलाइन शॉपिंग बहुत करती हूँ। और कई लोग हैं वो सिंपल लिविंग में बिलीव करते हैं, घर की दाल रोटी खाना, सिंपल कपड़े पहनना। अगर 10 सूट हैं तो मेरे वो 10 सूट जब यूज़ हो जाएंगे तब मैं और लूँगी, मेरे पास 4 फुटवेयर हैं। तो आपके रहने का जो स्तर है वो भी डिपेंड, वो भी आपके बजट को इफ़ेक्ट करता है। आप कौन से ग्रुप से हैं, मिडिल इनकम है, हाई इनकम है, आप लोअर इनकम है, ये सब चीज़ें बेटा आपके बजट को इफ़ेक्ट करती हैं। दूसरा क्या होता है, तीसरा पॉइंट, जो आपके पास उपलब्ध साधन हैं या अवेलेबल रिसोर्सेज हैं। जैसे सपोज़ मेरे घर में मैं हूँ, मैं जॉब करती हूँ, मेरी सैलरी आती है, मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं, सैलरी आती है, मेरे दोनों बच्चे जॉब करते हैं, वो सैलरी आती है, तो मेरे पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं क्योंकि मेरी सैलरी जो है वो 4 लोग मेरे घर में कमाने वाले हैं। ठीक है, तो मैं अच्छा बजट बना के आई कैन लिव अ नाइस लाइफ। लेकिन एक घर में है जिसमें वाइफ हाउस वाइफ है, बच्चे छोटे हैं, कोई काम नहीं करता, जबकि बच्चों पे खर्चा ज़्यादा है, बच्चे स्कूल गोइंग हैं और अब ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं तो उनको एक लैपटॉप खरीदना पड़ा क्योंकि बच्चे ने ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी है, उनको स्मार्टफोन लेने पड़े, तो उनका खर्चा बढ़ गया। जबकि उनकी इनकम क्या थी, अवेलेबल रिसोर्स सिर्फ एक इनकम है जो फादर की इनकम आ रही है, ठीक है ना। तो वो कट डाउन करेंगे दूसरी चीज़ों पर, बाहर जाना या होटल में जाना, वो तो वैसे भी अब कोविड के टाइम नहीं जाना चाहिए, अगर जाते थे तो वो अवॉइड करेंगे या कम करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि उनके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो कम है। ठीक है, रिसोर्स बेटे दो तरह के होते हैं, एक तो हो गया आपका मटेरियल रिसोर्स और दूसरे होते हैं नॉन मटेरियल। जैसे अगर आपके घर में बड़ा बच्चा है, सपोज एक बच्चा है जिसने बीकॉम करी हुई है, एमकॉम कर रहा है और वो बहुत अच्छा है अकाउंट्स में या स्टैट्स में, एक बच्चा जिसने मैथ्स ऑनर्स करी है वो भी बहुत अच्छा है, तो वो कहते हैं कि वाई नॉट, वो ऑनलाइन, इस टाइम तो सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है बेटा, वो ऑनलाइन ट्यूशन देना शुरू कर देते हैं बच्चों को। एक बच्चे से वो 1000 रुपया ले रहे हैं और 10 बच्चे उनके पास आ जाते हैं, तो दोनों बच्चे 10-10 हज़ार कमा रहे हैं। तो इन्होंने कौन सा रिसोर्स यूज़ किया बच्चों ने, उन्होंने अपनी इंटेलिजेंस यूज़ करी, ठीक है ना, उन्होंने अपने एक्सपर्टीज यूज़ करी जो उनकी ऑनलाइन एजुकेशन में है, और उन्होंने 20,000 रुपया मदर की जो घर की इनकम है उसमें सप्लीमेंट कर दिया। ये होते हैं बेटा रिसोर्सेज। या जैसे मदर है, मदर को सपोज बाहर तो वो नहीं जाती लेकिन वो खाना बड़ा अच्छा बनाती हैं, तो कुछ पीजी वाले बच्चे कहते हैं कि मैडम आप हमें टिफ़िन सप्लाई करो, हम आपको 3,000 रुपया महीना देंगे, या जो भी करते हैं वो टिफ़िन सप्लाई करती हैं, वहाँ अर्न करती हैं, अचार बड़ा अच्छा डालती हैं, उन्होंने आंवले का अचार डाला, गाजर गोभी का डाला, उन्होंने वो सेल किया। तो उन्होंने अपने रिसोर्सेज कौन से यूज़ किए कि कुकिंग में वो बहुत एक्सपर्ट हैं और घर की इनकम में वो उन्होंने ऐड कर दिया, उस हिसाब से उनका बजट फिर बेटर हो जाएगा। ठीक है ना बेटे, जो आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, टाइम है, मनी है, एनर्जी है, इंटेलिजेंस है, इंटरेस्ट है, हम इन अपने रिसोर्सेज का भी यूज़ करते हैं, और अगर आप प्रॉपर यूज़ करेंगे तो आप अपने बजट को बेहतर बना सकते हैं। दूसरा, आपकी फैमिली की नीड्स क्या हैं और गोल्स क्या हैं, आवश्यकताएं और लक्ष्य क्या हैं। कुछ होती हैं बेटे आवश्यकताएं, कुछ होती हैं विलासिताएं। आवश्यकताएं क्या हैं आपका, भोजन, कपड़ा, मकान, ये तीनों चीज़ें हमारी बेसिक नीड्स हैं। जो कुछ और चीज़ें हैं, बाहर घूमने के लिए जाना, या मैंने न्यू ईयर पे मैंने होटल रिजेंसी में जाना है, या मैं जेके में जाके फंक्शन मना रही हूँ, ये लग्जरीज होती हैं। बेसिक चीज़ें क्या हैं, आपकी आवश्यकताएं क्या हैं बेटे और आपके गोल्स क्या हैं। सपोज़ एक बच्चा है जो पढ़ना चाहता है, आगे IIT के लिए जाना चाहता है, या वो और कहीं अप्लाई करना चाहता है, या बाहर जाना चाहता है, तो उस हिसाब से हम फिर अपना बजट बेटा बनाते हैं। अवॉइड करना चाहिए कहीं से भी लोन लेना या किसी से उधार लेना। जितने आपके रिसोर्सेज हैं, जितना आप स्पेंड कर सकते हैं, उतने उसी के हिसाब से आपको अपने गोल्स और नीड्स को बनाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ऑफ कोर्स इनकम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके घर में मनी इनकम कितनी आ रही है, कितनी सैलरी आ रही है, आपको हो सकता है आपने कुछ घर, एक आपके पास 2 घर है, ठीक है, अपने घर में एक में रहते हैं और एक आपने रेंट पे दिया हुआ है, आपके पास 2 शॉप्स हैं उसका रेंट आपको आता है, कुछ मैंने FD कराई है उसका मुझे आता है, कुछ मैंने सेविंग में रखा है उसका मुझे इंटरेस्ट आता है, कुछ मैंने पैसा बाजार में किसी को दिया हुआ है उसका मुझे इंटरेस्ट आता है। तो ये सब क्या है, ये सब आपकी आय है, इसमें आपकी सैलरी भी आ गई, आपका बैंक का इंटरेस्ट भी आ गया, मैंने किसी को पैसा दिया हुआ है वो भी मुझे हर महीने देके जाता है, ये सब आपका उसी इनकम में आ जाता है, और उसी हिसाब से बेटे आप अपना बजट बनाते हैं। उसके बाद गृहिणी की शारीरिक अवस्था क्या है, क्या वो घर और बाहर दोनों संभाल सकती हैं काम, तो वो नौकरी करें और वो ऐड करें इनकम को। उसके बाद बेटा कुछ होता है, हमारी सामाजिक और धार्मिक समस्याएं भी होती हैं, सामाजिक और धार्मिक परंपराएं। कई बार लेडी बाहर करना चाहती है लेकिन वो पेरेंट्स वहाँ अलाउ नहीं करते जहाँ वो रहती हैं, या पेरेंट्स अलाउ नहीं करते
या शादी के बाद हस्बैंड कहते कि नहीं आपने जॉब नहीं करनी, आप घर संभालिए और इन लॉज को देखिए या बच्चों को संभालिए। तो फिर कई बार हमें सामाजिक परंपराएं जो हैं या धार्मिक परंपराएं, सोशल एंड रिलीजियस ट्रेडिशन जिसे कहते हैं, उसमें हमको बंध के रहना पड़ता है। कुछ बार क्या होता है बेटा, घर में आपके किसी फ्रेंड की का बर्थडे है, उसके बच्चे का फर्स्ट बर्थडे है, या वो कोई त्यौहार कर रहे हैं या शादी कर रहे हैं, तो टाइट होकर भी हमें उसमें स्पेंड करना पड़ता है। ये वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो ट्रेडिशंस हैं जिसको हमने फॉलो करना पड़ता है। उसके बाद बेटा आपकी फैमिली किस तरह की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप ऑफ फैमिली, जॉइंट फैमिली है तो आपको बड़ा मकान चाहिए, आपके खर्चे ज़्यादा होंगे। अगर छोटी फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, तो नेचुरली आपके बेटा खर्चे कम होंगे। अगर आप दो लोग कमाने वाले हैं और एक बच्चा है घर में, या दो बच्चे हैं, तो आपका एक्सपेंडिचर कम होगा ना। और अगर बड़ी फैमिली है जिसमें 8 या 9 बच्चे हैं, क्योंकि 4 ब्रदर्स इकट्ठे रहते हैं या 3 ब्रदर्स इकट्ठे रहते हैं, तो नेचुरली बेटा वहाँ पे आपका खर्चा ज़्यादा होगा, बिजली पर भी, पानी पर भी, गैस पर भी, भोजन भी, सबका खर्चा आपका बढ़ जाएगा। उसके बाद सदस्यों का व्यवसाय, प्रोफेशन क्या आपके पेरेंट्स का। कई बार बच्चों का प्रोफेशन ऐसा होता है कि उनको कहीं पर जाने के लिए अपनी कन्वेंस लेनी पड़ती है, तो वो खर्चा बढ़ जाता है डीजल या पेट्रोल का, चाहे वो एक्टिवा से जाएं, चाहे वो गाड़ी से जाएं। हाँ, अगर उनको घर में किसी को फैसिलिटी मिलती है, घर से कोई ड्राइवर लेके जाता है, तो वो आपको दिया हुआ है उन्होंने कन्वेंस अलाउंस, तो उस तरह से चलता है कि आपका प्रोफेशन कैसे है। कि कई बार क्या होता है बेटा, कुछ प्रोफेशनल उसमें ऑफिस में आपको इवन मोबाइल का खर्चा भी दिया जाता है, और कुछ आपको खुद करना पड़ता है, ठीक है ना। तो डिट डिपेंड्स ऑन योर जॉब, आपकी जॉब किस तरह की है, आपका प्रोफेशन किस तरह का है, ठीक है। बजट बनाने के लिए बेटा हम 3 चरण होते हैं, दे आर 3 मेन स्टेप्स, दैट इज आयोजन प्लानिंग, नेक्स्ट इज नियंत्रण कंट्रोलिंग, एंड थर्ड इज मूल्यांकन या इवेल्युएशन। प्लानिंग बहुत ज़रूरी है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट है प्लानिंग या आयोजन, क्योंकि प्लानिंग में आप देखते हैं कि आपकी कितनी आय है, आपका कितना खर्चा है, और आप उन दोनों को क्या करते हैं, संतुलन बनाने का ट्राई करते हैं। बहुत ज़रूरी है कि कुल आय कितनी है, कुल खर्चा कितना है, परिवार की जो खर्चा है वो किस किस पे खर्चा होता है। एक बार ही हमने प्लानिंग कर ली, मैं बताऊंगी अभी आपको कि डिफरेंट आइटम्स पर हम कितना खर्च करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि आपने उसको कैसे कंट्रोल करना है। जब आप पढ़ने का टाइम टेबल बनाते हो, आप करते हैं कि मैं सुबह 8 से 10 मैंने ये पढ़ना है, मैंने 10 से 11 ये पढ़ना है, छुट्टियों में मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं, अगर आप उस टाइम टेबल के हिसाब से काम करते हैं बेटा, तो आप बहुत अच्छे मार्क्स पा सकते हैं। उसी तरह जो मैंने योजना बनाई है बजट की, अगर मैं उसी हिसाब से काम करूँगी बेटा, तो मेरी जो बजट है ये क्या बन जाएगा, संतुलित बजट, और मुझे परेशानी नहीं होगी। तो मेन है आयोजन या प्लानिंग, सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है नियंत्रण या कंट्रोलिंग, और तीसरा है बेटा वो और भी इम्पॉर्टेंट है, मूल्यांकन या इवेल्युएशन। मैंने जैसे जनवरी, मैंने दिसंबर का बजट बना लिया, 31 जनवरी को जब मैंने जब सब काउंट किया, तो मैंने कहा अरे अरे रे, मेरी इनकम तो 45 थी और मेरा खर्चा हो गया 48,000। तो 3,000 मेरे को, अगर मेरी कोई सेविंग पड़ी है, मेरे को 3,000 वहाँ से निकालना पड़ा, इसका मतलब मेरा बजट ठीक नहीं बना, मेरा बजट घाटा आ गया। तो मैं ज़रा मूल्यांकन करके देखूँ मैंने कहाँ ज़्यादा खर्च किया। तो जब मैं पीछे गई, मैंने देखा कि मैं इस बारी 2 बारी खाना खाने के लिए बाहर गई, 2 बारी मैंने घर में ऑर्डर किया, तो जो खाना मुझे घर में 1,000 रुपये में पड़ना था, वो मुझे बाहर से 5,000 में पड़ा। तो वहाँ मैंने ये पकड़ लिया कि मैं इस बारी जो भोजन है इस महीने मैं बाहर से नहीं मंगवाऊंगी, मैं घर में ही कुक करूंगी। और जब मैंने वो इम्प्लीमेंट किया, तो मेरा नेक्स्ट मंथ का बजट बेटर हो गया। ये कैसे पता लगा आपको बेटे, इवेल्युएशन से या मूल्यांकन से, कि हाँ मेरे को ये गलती रही मेरे से, मैंने ये चीज़, मैंने इस बार ऑनलाइन शॉपिंग बड़ी कर दी, क्योंकि दिवाली आ रही थी नवंबर में, मैं आगे ये कंट्रोल करूंगी, ठीक है ना। सो आप मूल्यांकन से ही ये जान सकते हो कि आपके बजट में क्या गलती थी, क्या परेशानी थी, और उसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। समझ आ रहा है? हेलो, हाँ, बोरिंग तो नहीं लग रहा? अच्छा बेटा, उसके बाद ये बहुत ज़रूरी है, नेहा मैम ने एक टेबल शेयर किया होगा आपके साथ, विभिन्न आय वर्गों के परिवारों के बजट में कुल मासिक आय का प्रतिशत व्यय, ये करा हुआ है मैम ने। हाँ, अब आप उस टेबल को देखिए, आप सबके पास वो टेबल है। अच्छा, उस टेबल में देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, हमने 4-5 तरह के लिए हुए इनकम, हम शुरू कर रहे हैं सबसे पहले 4,000 मिल गया आपको। देखिए ऊपर इनकम 4,000, 6,000, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, ठीक है। तो 4 और 6 को हम क्या मानते हैं, लो इनकम ग्रुप, निम्न आय वर्ग, ठीक है। 10 और 20 को हम क्या मानेंगे, मिडल इनकम ग्रुप, मध्यम आय वर्ग, और 30 और 40 को क्या मानेंगे, हाई इनकम ग्रुप या उच्च आय वर्ग, ठीक है।
ये हो गई आपकी इनकम। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखा हुआ है, व्यय की मदें। मदें मतलब आपने किस किस आइटम में खर्च करना है, दिख गया आपको, है ना। ये 8 चीजें हैं, सबसे पहले आहार फूड, उसके बाद वस्त्र क्लोथिंग, तीसरा क्या है आवास घर जहां आप रहते हैं, शिक्षा एजुकेशन, चिकित्सा मेडिकल फैसिलिटीज या मेडिसिन लेनी, आवागमन आपके घर में कोई गेस्ट आए हैं, मनोरंजन एंटरटेनमेंट, और उसके बाद क्या है विविध मींस मिसलेनियस कोई खर्चा हो गया, और साथ में हो गई बचत। ये 8 हो गए, समझ में आया है। ये क्या है बेटे, ये मदें हैं, इस पर हम कितना खर्च करते हैं। अभी आपने कैसे निकालना है, अभी आप सिर्फ पहले 4000 वाला लीजिए कॉलम, उसके आगे क्या लिखा है, व्यय कितना खर्चा हुआ है रुपए में लिखा हुआ है। इसको अगर आप टोटल करते हैं बेटा रुपए को, तो ये क्या बनना चाहिए, ये 4000 बनता है। आप करके देख लीजिए, 2800 प्लस 320 प्लस 320 प्लस 160 प्लस 120 80 और 80, ये बनेगा 4000, ठीक है। और अगर हम परसेंटेज देखते हैं 78.84 करते, ये बनेगा आपका 100%। आप टोटल कर लीजिए, ठीक है। इसी तरह जब आप 6000 पे आते हो, आप जब रुपए का टोटल करोगे तो वो बनेगा कितना, 6000, और वो परसेंटेज बनेगी फिर 100%। समझ में आया। अब आपने क्या करना है, आप नोट करिए, मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, मैं आपकी क्लास अब मंडे लूँगी दोबारा एक बारी। ये होमवर्क है आपका, क्योंकि 9-10 क्लास नहीं लगेंगी, वो एचटेट का पेपर, HSCC का पेपर है, और मैं मंडे को लूँगी आपकी क्लास, ठीक है। अब आप देखिए, आपने एक बजट बनाना है एक फैमिली के लिए जिसकी मासिक आय 8000 रुपया है। नोट करिए, मैं बताती हूँ कैसे करना है। एक परिवार के लिए बजट बनाइए जिनकी मासिक आय 8000 रुपया है, ठीक है। हाँ जी, मासिक आय 8000 रुपया। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे वहां, मदें आहार वस्त्र आवास, ये 8 मदें आ गई। उसके बाद जो व्यय रुपए वाला है, ये कॉलम बना के इस कॉलम में अभी कुछ लिखोगे नहीं, जो नेक्स्ट कॉलम है परसेंटेज, उसमें क्या लिखा हुआ है 70%। इसका मतलब क्या हुआ, एक परिवार जो 4 से 6000 रुपए कमाता है वो भोजन पे कितना खर्च कर सकता है, 70%। समझ में आया है। और 70% कितना होता है, 70 निकालो, 70/100 × 4000 कितना बनेगा, 2800 रुपया। देखो बन रहा है कि नहीं। आपने बजट में पहले परसेंटेज लिख लेनी है, जैसे 70% किस पे खर्च हो रहा है, आहार पे। अब रुपया कैसे निकालोगे, कुल रुपया 70/100 × कुल इनकम कितनी है, 4000। समझ में आया है? नहीं आया, ओके अब नेक्स्ट आ जाओ, कोई बात नहीं। वस्त्र में कितना खर्च कर रहे हो, 8%। देखो प्रतिशत व्यय है ना, तो 8% होगा ना ये, तो इसमें अब रुपया कैसे निकालेंगे हम, 8% है तो 8/100 × टोटल इनकम कितनी है, 4000। देखो कितना आता है आपका 8%, निकालो, 320 रुपये आता है कि नहीं, आ रहा है ना बेटा। इसी तरह नीचे आते जाओ सारा, 2% देखो नीचे करना, विविध और बचत, 2% कितना होता है, 2/100 × 4000। समझ में आया है, वो कितना बनेगा आपका, 80 रुपया। आपने जो बनाना है अपना बजट बनाना है जो 8000 का, उसमें आपने ये परसेंटेज लेनी, पहले परसेंटेज लिख लेना कि भोजन पर 70%, वस्त्र पर 8, आवास पर 8, शिक्षा पर 4, चिकित्सा पर 3, आवागमन 3, मनोरंजन 2, विविध और बचत 2। आपने बेटा परसेंटेज लिख के फिर आपने रुपया निकालना है। जैसे अब 8000 अगर इनकम है तो क्या करेंगे, भोजन पर कितना खर्च हो रहा है, 70%, ठीक है, तो 70/100 × 8000, तो जो आपका निकलेगा वो कहाँ आएगा, आहार में कुल रुपया। समझ आ गया आपको, ठीक है। तो अब आप बना के लेकर उसी तरह आप बेटा इस पे आ जाओ, चलो अब यही बना के लाओ पहले, समझ में आ गया आपको, 8000 का बना के लाओ, और ये परसेंटेज देनी है जो आपने 4 वाली परसेंटेज है, परसेंटेज आपको मालूम होनी चाहिए। और जब आप टोटल करेंगे तो परसेंटेज आपकी 100 आएगी,
और कुल रुपया कितना आएगा? 8,000 रुपया। ठीक है, आप एक बेटा ये बना के लाओ, फिर हम डिस्कस करेंगे आगे मिडिल और हाई इनकम ग्रुप का। समझ में आया बेटे? और ये आपका पता होना चाहिए बेटा, ये जो बजट है ना, ये 100% आपका आप ठीक नहीं कह सकते, आप इसको अनुमानित बजट कहते हो, क्योंकि चेंज हो जाता है ना हमेशा। और अपने बजट को अच्छा बनाने के लिए आपको क्या कोशिश करनी चाहिए कि आपकी इनकम ज़्यादा हो। इनकम कैसे ज़्यादा होगी? या तो बेटे आप अपना खर्चा कम करोगे, या आप अपनी आय बढ़ाओगे। दो चीज़ें आपके पास, खर्चा कम करना है या आय बढ़ानी है, दो चीज़ें हो सकती हैं आपके पास, ठीक है ना। और जो आपके पास बचत का पैसा है उसको आपने अच्छी तरह समझ के आपने प्रयोग में लाना है, ताकि कभी भी हमें कोई परेशानी आती है तो आप उसको, जो बचत बचत का पैसा है बेटा, आप उसको यूज़ कर सकें। ठीक है, ओके। नाउ यू हैव टू मेक द बजट ऑफ 8,000 एंड सी यू ऑन मंडे। ओके।